मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ उमरी डैम सामने नागपुर, भूल ना जाना शिव तीर्थ आना। नए साल के पहले दिन गोंदिया शहर में रेलवे स्टेशन के किनारे पर शिवलिंग की स्थापना के साथ ही मां का शिव शंकर की 22 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। इसलिए इस स्थान पर लाया गया शिवलिंग कोई आकार का नहीं है और इसे नर्मदा नदी से लाया गया है। नए साल के पहले दिन शंकर भगवान की मूर्ति और शिवलिंग की स्थापना की गई है और इस बार 151 जोड़ों ने एक साथ इस महाकाल और शिवलिंग की आरती की है। इस महाआरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यह नए वर्ष तो चलो ठीक है, पिछले वर्ष जय श्री माँ का सेवा समिति और जय श्री माँ का महिला समिति द्वारा हमने इंकॉन वैवाहिक जोड़ों के हाथ से बाबा महाकाल जी की यहाँ पर 2023 की शुरुआत बाबा महाकाल जी के साथ ऐसी हमने एक झांकी के रूप में बाबा महाकाल जी को स्थापित किए थे इसी जगह पर। और वही हमने जब बाबा महाकाल जी की आरती के बाद हमने समिति ने हमने खुद ने एक ऐसा मन में विश्वास बांध लिया कि बाबा हम तो वहाँ घर नहीं बना सकते लेकिन आपको यहाँ पर विराजमान करने की जरूरी कोशिश करेंगे। तो इस एक साल के भीतर ही बाबा महाकाल जी को हमने यहाँ पर विराजमान किया है। 3 दिन की 4 दिन की लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना वगैरह हुई है। जैसी वहाँ का समिति ने जैसी वहाँ महिला समिति ने यहाँ पर लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पर इस बाबा को तैयार करने के लिए भव्य हनुमान जी का मंदिर तैयार करने के लिए लोगों ने भी अच्छा खासा सहयोग दिया है। 22 फीट की मूर्ति है ये बाबा महाकाल जी की। नर्मदा जी से शिवलिंग लाया गया है जिसको कोई भी रूप नहीं दिया गया है, नर्मदा जी से निकाल के वहाँ पर स्थापित किया गया है। और कितने लोग हैं मैं संख्या बता नहीं सकता। हमने 108 गठजोड़ों के लिए व्यवस्था रखे थे लेकिन 151 की थालियां हमको यहाँ पर लगी है। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।